नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया गया है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। एनएच के चैनल के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। शिंजो आबे की मौत के बाद दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया। कई घंटों तक हुई बचाने की कोशिश। बता दे कि शिंजो आबे को गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 4 से 5 घंटे तक उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उन पर हुए इस हमले की हर तरफ निंदा हो रही है और दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की थी। बताया गया है कि हमलावर ने पीछे से शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी, जिसके बाद आबे जमीन पर गिर गई। वहां मौजूद लोगों ने शिंजो आबे को CPR देने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्हें नाजुक हालत में हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर की पहचान 41 साल के तेत्सुया यमगमी के तौर पर हुई है, जिसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और ये साफ नहीं हो पाया कि इस हत्याकांड के पीछे की क्या वजह थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।